यूपीटेट परीक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने जहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं, वहीं यातायात पुलिस ने भी यातायात व्यवस्था को लेकर प्लान बनाया है। बुधवार सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भारी वाहन शहर में नहीं घुस पाएंगे, उन्हें शहर के एंट्री पॉइंटों पर ही रोक दिया जाएगा। इसके अलावा रोडवेज व निजी बसों के लिए भी मार्ग तय किए गए हैं। एसपी यातायात सतीश चंद्र ने बताया कि बुधवार को शहर में 35 केंद्रों पर यूपी टेट की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें दूसरे जनपदों से अभ्यर्थी और उनके अभिभावक आएंगे। 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल रहेंगे, तो उनके अभिभावकों के साथ ही अभिभावकों के भी साथ होने के कारण यह संख्या लगभग 50,000 हो सकती है। ऐसे में वाहनों की संख्या बढ़नी है, इससे शहर में जाम लग सकता है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्जन किया है। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक भारी वाहन शहर में नहीं घुसने दिए जाएंगे। रूट डाइवर्जन का सख्ती से पालन कराने के लिए शहर में मुख्य चौराहों पर, शहर के एंट्री पॉइंटों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि रोडवेज व निजी बसों के लिए भी रूट तय किए गए हैं, ताकि शहर में जाम न लग सके। आज 35-35 परीक्षा केंद्रों पे एग्जाम था यूपी टेट का, और उसमें लगभग 19,000 बच्चे शामिल हुए थे। तो हम लोगों ने एक तो बड़े वाहन जो है वो उनको बाईपास गुजारा है, शहर के अंदर से रोड से उनको रोका है, सिर्फ कार्ट रोड की बसों को छोड़ के। बाकी हम लोगों ने जो कट हैं जो स्टेशन रोड पे, उन कटों से ही रिक्शे ऑटो रिक्शा वापस किया है। रोक कहाँ जा रहे हैं? पास से आगे फिर इनको और बाकी हमारा पूरा फोर्स लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस में सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू।